नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, अक्सर आज की लाइफ में क्या होता है कि किसी के पेशाब में जलन होता है, किसी के शरीर में जलन होती है, किसी के पेट में जलन होती है, किसी के पैर के तलवों में जलन, तो किसी की हथेलियों में जलन, किसी की पूरी बॉडी में ऐसा फील होता है कि बहुत जलन है, गर्मी है। तो आखिर इसको कैसे शांत करें ताकि हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े, क्योंकि जब भी हम एलोपैथिक दवाओं को लेकर के आते हैं तो उनका कुछ साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो इसके लिए बेस्ट है। पेशाब में जलन हो रहा हो या शरीर के किसी भी पार्ट में जलन हो, खास करके आपकी किडनी सही से काम न करती हो, तो उसको दुरुस्त करने के लिए ये आपके किडनी को बेहतर बना देगी। किडनी की समस्या सबसे ज़्यादा उनको होती है जो अल्कोहल लेते हैं, शराब वगैरह का सेवन करते हैं। तो किडनी आपकी चाहे जिस वजह से भी प्रभावित हुई हो, कम पानी पियेंगे तब भी प्रभावित होती है किडनी, तो उसको बिल्कुल क्लीन कर देगी ये औषधि। बस इसके इस्तेमाल के तरीके को हमें समझना है कि कैसे करना है। आपको आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएगी। आप ये देखते भी हैं कि पहले जमाने से ही लोग बहुत इन चीजों को वैल्यू देते रहे हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि ये वैल्यूएबल हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये औषधि। ये औषधि है खस। जी हाँ, खस लेना है आपको, ये जो देख रहे हैं इसी को लाना है। इसको आपको पानी में डाल देना है या फिर आप उबाल भी सकते हैं। इसमें आपको 2 से 3 ग्राम आंवला भी डालना है। 2 से 3 ग्राम आंवले को आप इसमें डाल दीजिए। अगर आंवले का पेस्ट बना करके डाल देंगे तो भी ठीक है, या आंवले के टुकड़े भी उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा उबलने दीजिए। इसके बाद आपका क्वाथ बन करके ये रेडी हो जाएगा। इसको अगर सुबह सुबह पीते हैं खाली पेट तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपकी किडनी की समस्या दूर हो जाएगी, किडनी बिल्कुल आपकी डिटॉक्स हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। अगर आप बीमार नहीं हैं तब भी आपको ये प्रयोग सप्ताह में एक बार कर लेना चाहिए, बेस्ट तरीका है। पेशाब की जलन शांत हो जाएगी। इसके अलावा पैर के तलवों में जलन हो रही हो, हथेलियों में जलन हो रही हो, वो भी शांत होगी और बॉडी भी आपकी शांत होगी, क्योंकि ये शीत प्रकृति का होता है, शीतल प्रकृति का होता है, ठंडी प्रकृति का होता है। अब ठंडी प्रकृति वाली चीज़ों के साथ एक चीज़ दिक्कत क्या आती है कि आपको वात की समस्या होती है, यानी कि जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, ये डर रहता है कोई भी ठंडी चीज़ लेते हैं तो। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये वायु को नहीं बढ़ाती है बॉडी में, यानी कि वात को नहीं बढ़ाती है और आपके शरीर के जलन को शांत कर देती है। वैसे एक और तरीका है, आप लौकी के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपके हाथ पैरों की जलन जो है और खास करके पेशाब की, मूत्र की जलन, वो शांत होती है। लेकिन अगर आप किडनी को डिटॉक्स करके लीवर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तब आप क्या कीजिएगा कि जो ये खस लिया है आपने, इसमें आपको मिला लेना है गिलोय। जी हाँ, गिलोय और खस को पानी में रात को भिगो करके छोड़ दीजिए। सुबह जगने के बाद खाली पेट बासी मुंह ही पीजिएगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है। अगर आपको 100% लाभ लेना है तो किसी भी प्रकार का पेशाब का जलन हो या किडनी की कितनी भी पुरानी समस्या हो, उसको धीरे धीरे ठीक कर देगी। अगर आपको कोई समस्या है तब तो आप लगातार, जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए, लेते रहिए हर रोज सुबह सुबह। ज़्यादा मत लीजिएगा, 1 कप लीजिएगा अगर आप गिलोय मिला रहे हैं तो। अगर केवल खस ले रहे हैं तब भी आपको 1 कप से ज़्यादा नहीं ही लेना चाहिए, और इसे सुबह शाम भी ले सकते हैं। केवल खस ले रहे हैं तो सुबह शाम 2 टाइम ले लीजिए, और गिलोय मिलाएंगे तो इससे ब्लड भी आपका साफ हो जाएगा, बुखार होगा कितना भी पुराना वो भी दूर हो जाएगा आपका। यानी कि आपके लिए बेस्ट औषधि है अगर पेशाब में जलन है या किडनी को साफ करना है तो इसका इस्तेमाल करके देखिए। और एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमें बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, और हमें बहुत खुशी होती है कि आपके लिए नई वीडियो लेकर के आ सकें। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।